आपके बालों की शान, आपके बालों की जान। 100% नेचुरल केटीसी हर्बल हीना पाउडर। केटीसी हर्बल हीना पाउडर। देव मतलोड़ा ऋषि चिराज का सेरी जूही नमक स्थित में मंदिर की प्रतिष्ठा विधि विधान तरीके से हुई, जिसमें देव मतलोड़ा ऋषि विराजमान रहे और जिसमें अपने पुराने धार्मिक स्थल जूही में हजारों श्रद्धालुओं के साथ देव ऋषि विराजमान रहे और देव कमेटी के प्रधान नवनीत ठाकुर दलित सिंह ईश्वर दास कुरम देवी पूरी हार प्रजा का सहयोग रहा है। देव ऋषि के पुजारी लालमन का कहना है, पूरी विधि विधान तरीके से मतलोड़ा ऋषि अपने मंदिर में विराजमान रहे और गुरु लट्टू राम ने भी अपनी प्रक्रिया जाहिर की और उसके साथ देव ऋषि के कारदार और देव ऋषि के पाचड़ों ने भी अपने विचार विमर्श किए। हम जूही नामक स्थित में जो कि श्री देव मतलोड़ा ऋषि जी का जी की जो पावन धरती है, यहाँ पे जो है प्रतिष्ठा जो है बड़ी धूमधाम से मनाई गई है। हमारे साथ देव कमेटी के सदस्य भी शामिल हैं और कारीगर भी शामिल हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करना चाहेंगे और यहाँ के इतिहास के बारे में भी हम कुछ जानने का पूरा प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है पूरी देव कमेटी का। श्री नवनीत ठाकुर जी से हम पूरी इस इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, कैसा यहाँ का संचालन था, कैसे इस मंदिर का निर्माण किया गया। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल जी। और सबसे पहले आप बताइए यहाँ का निर्माण कैसे हुआ, इसके मंदिर का निर्माण कैसे हुआ और कई तरह की यहाँ की जो गतिविधियाँ है वो हम आपसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे जी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, इस मंदिर का निर्माण स्तूपाकार शैली में किया गया है और पहले भी ये मंदिर काफ़ी वर्षों से यहाँ पे स्थित था, लेकिन एक हमारा जो ऐतिहासिक मंदिर था वो किसी तरह से आगजनी का शिकार हुआ, जिसकी वजह से हमें इसे दोबारा इसका निर्माण करना पड़ा। और ये टेंपल हमारे पास यहाँ पे 2400 मीटर की हाइट पे जूही नाम स्थान पर स्थित है और इस मंदिर के निर्माण में अलग अलग कारीगर ने अपना बहुत अपने हुनर का परिचय दिया, जिसमें मुख्यतः जो हमारे यहाँ पे जो मिस्त्री मैन थे इंद्र सिंह जी, जो कि हिमाचल में नहीं देश में अलग अलग कामों के लिए जाने गए हैं और उनका नाम बहुत दूर दूर तक है, तो इन्होंने अपने मालिक के लिए यहाँ पे ये करने के लिए अपना सारा काम काज बाहर का छोड़ के जो यहाँ पे इस काम करने में भरपूर योगदान दिया और बहुत ही कम समय में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। तो इसमें इनकी जो टीम है बहुत सारे सदस्य लोग जो हैं इनके साथ में खड़े हैं और ये इनके पति चेतराम जी हैं और ये इनके बेटे हैं साथ में और भी हमारे पास सदस्य जो खड़े हैं और हमारी कमेटी के मेंबर भी यहाँ पे खड़े हैं और इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है यहाँ मंदिर के निर्माण। और हम कुछ आपसे और जानने की कोशिश रहेंगे कि आने वाले समय में टूरिज्म को लेकर आप थोड़ा कुछ बताएंगे तो नहीं, यहाँ पे हमारे पास अभी तक धार्मिक पर्यटन का प्रचलन हिमाचल प्रदेश में उतना अधिक नहीं है जितना कि उत्तराखंड या दूसरे स्टेट्स में। हम कोशिश कर रहे हैं कि धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से इस संस्थान का डेवलप किया जाए, इसमें अलग अलग तरह के जल कुंडों का निर्माण किया जाए ताकि यहाँ पे लोग दूर दूर से आएं और यहाँ इसका फायदा उठा पाएं और साथ में यहाँ ये जो स्थान है हमारे पास यहाँ के जल कुंडों के लिए ही विशेष तौर पर जाना जाता है। जो आज धाम का योजन था तो कितने लोग श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे जो कि देवते जी के दर्शन के लिए यहाँ पे पहुँचे थे? औसतन हमने यही एक्सपेक्ट किया था, इसमें लगभग हमारे पास 5 से 6 हज़ार लोग पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन अपने कार्यों में थोड़ा बिजी होने के कारण थोड़ा सा कुछ आंकड़ा कम रहा है, तो फिर भी इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर अपना योगदान भी दिया और अपनी उपस्थिति भी दर्ज करवाई है। आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।